कस्तूरबा में 100 बच्चे जब से है तो जब से ऐसे टेलीस्को पता लगते थे जो तो 24 हिंदी होते आपने जो तुर्की जो लोग मार भी होते गिने गए हाँ रिपोर्टर्स का उन्हें हूँ जिन्होंने आज टाइम निकाला और हमारे गेस्टों के ताल्लुक से तफसील मांगी। मैं डॉक्टर रौस मोहिद्दीन अली, प्रोफेसर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, रिटायर्ड एंड प्रेजेंटली एम वर्किंग एज एमेरिटस प्रोफेसर एंड एडवाइजर एट वीआरके विमेंस मेडिकल कॉलेज and I am the founder and life member of MESCO when it started in 1981 with Dr. Haider Ha as a president, Dr. Majid Ha as a secretary and all the professors of Usmania and Gandhi including myself were the members. Since then we have developed this institute MESCO from the scratch. The first installation in this Mustaikpura donated by one of the relatives of Dr. Muhammad Haider Khan. And we started with the civic centers and minimum way of development to help the Muslim community at large, the nation. Slowly it increased the work in the MESCO and we started the schools and also an affiliated school at Malakpet and other places also. Subsequently we started the technical courses as MBA, MCA, pharmacy and the graduation courses as BCom. And now the highest course now we are running is Pharma D, which is a doctorate in pharmacy. Alhamdulillah, we have developed to a maximum extent and still we hope Allah subhanahu wa ta'ala will give further development to our society. And we are very fortunate to have a good team of our secretary Dr. Kausar Shaheen and our convener Dr. Samiullah Ha Saab and Dr. Naeem Khan, the treasurer and kingpin of this institute. He is manually working and extended his work to a large extent and really we have a very good principal Dr. Hanuman Shastri. We has developed from the beginning and we have very good staff who are the postgraduates
they are doctorates and they are qualified people. Alhamdulillah, we have developed this MESCO to this extent. Inshallah, we will develop further. Thank you to all the reporters who are examining our institute. President MESCO, my as a professor Usmania Medical College, जब मैं उस्मानिया में था उस वक्त डॉक्टर हैदर खान साहब और डॉक्टर मजीद खान साहब डॉक्टर मन्ना एक मीटिंग कॉल किए सारे प्रोफेसर्स जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं तो मैं भी उस प्रोग्राम में गया और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर एंड लाइफ मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए प्रोफेसर मैं उस्मानिया के बाद शादान में प्रोफेसर रहा फिर वीआरटी के प्रोफेसर रहा डॉक्टर विजारत साहब विमेंस मेडिकल कॉलेज में अब मैं एमेरिटस प्रोफेसर एंड एडवाइजर डॉक्टर वीआरटी विमेंस मेडिकल कॉलेज हूँ और चूंकि ये मेरा आई एम फाउंडर मेंबर हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के MESCO का बाय सीनियरिटी आई हैव chosen as the president of MESCO. MESCO 35 साल के ऐसे में इतना डेवलप हुआ मामूली सिविंग सर्विसेस इन मुस्लिम कम्युनिटी एंड व्हाट शैल आई से स्मॉल डेवलपमेंट्स इन द कॉर्पोरेट सेक्शन और माइनर इंडस्ट्रीज से अब कई इंस्टीट्यूट्स हैंग हुए हैं स्कूल्स हैंग हुए हैं और कॉलेजेस में टेक्निकल कोर्सेज जैसे MBA MCA और कंप्यूटर साइंस और इस वक्त हमारे पास फार्मेसी ग्रेजुएशन कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एंड डॉक्टरेट कोर्स फार्मा डी हमारे पास अब चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कई स्कूल्स कायम हुए हैं हैदराबाद सिटी के आउटस्कर्ट में सिटी में हाई स्कूल्स इंटरमीडिएट कॉलेजेस और अल्हम्दुलिल्लाह कई स्टूडेंट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स नाउ वी हैव ब्रॉट अप इस ऑर्गेनाइजेशन से अल्हम्दुलिल्लाह मैं उम्मीद है अल्लाह से कि हमारे साथ जो टीम वर्क है डॉक्टर कौसर शाही डॉक्टर नईम खान डॉक्टर समीउल्लाह खान डॉक्टर हनवंत शास्त्री और भी प्रोफेसर्स हमारे साथ जो कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें और सक्सेस करेंगे और हमारे प्रोग्राम्स में आप देखेंगे कोविड के ज़माने में हम लोग काफ़ी मदद किए हैं कोविड केसेस में एम्बुलेंसेस प्रोवाइड किए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड किए हैं और कई चीज़ें इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम रखे हैं और हमारे पास डायग्नोस्टिक सेक्शन है और आउटपेशेंट्स भी हैं मेडिकल सर्जिकल और गैनिक और डायग्नोस्टिक सेक्शन में हम बाहर जाने वाले कैंडिडेट्स के इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जो GCC कंट्रीज के लिए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह से कि इसमें और तरक्की होगी सैयद अली साहब और डॉक्टर मंदान साहब ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि अनवर उलूम कॉलेज से अटैच करके मेडिकल कॉलेज खोलेंगे पर वो चीज़ नहीं हो सकी उसके बाद बहुत बड़ी ख्वाहिश ये हुई कि मेडिकल कॉलेज जैसा आप फरमा रहे होना चाहिए तो उस ज़माने में एक यंग पर्सनालिटी डॉक्टर निजारत रसूल खान जिनको सालार ने सपोर्ट किया सलाहुद्दीन प्रेसिडेंट उनके उस पार्टी के सेक्रेटरी थे उन्होंने अपनी काविशों से
जिसमें मैं भी शामिल था कि दक्कन मेडिकल कॉलेज खोले। उसके बाद फर्दर उसको और कम्युनिटी को मजीद सहूलत देने के लिए शादान मेडिकल कॉलेज खोले।